एवरीवन, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हमें किसी जर्नल का लिंक अगर हमें कॉपी पेस्ट करना हो जो कि यूजीसी केयर लिस्ट में एनलिस्टेड है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आप देखिए, या तो आप जहां से आपको जर्नल की जरूरत है आप वहां से उस जर्नल को कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको यहां से कॉपी कर रही हूं। इसको कॉपी करने के बाद हम इसके लिए हम कहां चले गए, साइट में चले गए। और साइट में हम कहां गए, गूगल में। गूगल में जाके हमने टाइप किया यूजीसी केयर लिस्ट। ओके, यूजीसी केयर लिस्ट आया। इस यूजीसी केयर लिस्ट में हम यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में चले गए। जब हम यहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक ही ब्लू कलर का हाईलाइटेड पार्ट आएगा, और इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखिए आपको यूजीसी एनलिस्टेड जर्नल्स की आपको एक लिंक अगेन मिलेगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर लॉग इन करना होगा। यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, यहां से रजिस्टर करके अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके आप अपने ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने किया हुआ है। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लॉग इन कर सकते हैं। तो मैंने यहां लॉग इन किया। बिना लॉग इन किए आप इस पर नहीं जा पाएंगे। ओके, यहां पर हम लॉग इन करेंगे, और लॉग इन करने के बाद अगेन हमें वही विंडो मिलेगी। और जब हम लॉग इन करेंगे तो हम यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 में या यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 में जा सकते हैं। यहां मैं यूजीसी केयर लिस्ट 1 ग्रुप में जा रही हूं, और आप देखेंगे कि यहां पर फिर एक आपको ये लिस्ट मिल रही है। यहां देखिए, ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के साइटेशन इंडेक्स है, ये सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है, और फॉर साइंस पेपर्स यहां पर देखिए साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है एंड स्कोपस सोर्स लिस्ट है। तो जो साइंस के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो भी जिनको चाहिए वो इस साइंस साइटेशन इंडेक्स या स्कोपस लिस्ट के थ्रू जा सकते हैं। जो ह्यूमैनिटीज के जिनको देखना है कि केयर लिस्ट में क्या लिंक है वो यहां और यहां जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं साइंस साइटेशन इंडेक्स में जब मैं जाऊंगी तो यहां पर या तो मैं जर्नल जो मुझे सर्च करना है वो मैं टाइप करूंगी। देखिए यहां पर सर्च ऑप्शन आ गया। तो जैसे मुझे देखना है कि मैंने यहां पर टाइप किया जर्नल ऑफ द इंडियन केमिकल सोसाइटी, तो मैंने ये टाइप किया और मैं सर्च करूंगी। देखिए मैंने सर्च किया, और जब मैं सर्च करूंगी तो मुझे सर्च करने से देखिए यहां पर ये पता चल गया कि जर्नल ऑफ द इंडियन केमिकल सोसाइटी जो है वो इसका मतलब वेब ऑफ साइंस यानी साइंस साइटेशन इंडेक्स है इसका, और ये केयर लिस्ट में है। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर शेयर लिंक में क्लिक करूंगी और मैं यहां से लिंक को कॉपी कर लूंगी। जब मैं यहां से लिंक को कॉपी कर लूंगी, अब मुझे यहां पर मान लीजिए मुझे यहां पर ये जर्नल की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगी यहां पर जाके राइट बटन से क्लिक करके इस लिंक को पेस्ट कर दूंगी। इस ऑप्शन से नहीं, मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूं। ओके, कर दूंगी। देखिए लिंक तो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे इसका हाइपरलिंक क्रिएट करना है, जिससे कि जैसे इस पे कोई क्लिक करे इसमें जो है वो सीधे सीधे वो यूजीसी केयर लिस्ट हमें मिल जाए। करूंगी इसमें, देखिए एंटर की मारूंगी तो आप देख रहे हैं एक लिंक जनरेट हो गया है। अब इस लिंक को हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर लिखा हुआ रहा है कि कंट्रोल के साथ आप क्लिक करिए। देखिए मैंने यहां पर कर्सर रखा, तो कंट्रोल एंड क्लिक ऑप्शन को फॉलो करना है। तो जब मैं कंट्रोल और क्लिक करूंगी तो क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से ओपन होगा, मैं कंट्रोल दबा रही हूं और साथ में ये, तो आप देख सकते हैं कि जो भी इस लिंक को खोलेगा वो सीधे उस जर्नल की वेबसाइट में पहुंचेगा। और यहां से हमें पता चल गया, देखिए वेब ऑफ साइंस में ये जो जर्नल है ये वेब ऑफ साइंस में प्रेजेंट है, अभी खुल रहा है आप देख रहे हैं, और हमें यहां से ये जर्नल पता चल जाएगा। यानी कोई भी अगर इस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये जो इंडियन केमिकल सोसाइटी जर्नल है ये कहां पर है, वेब ऑफ साइंस में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम इस लिंक को जनरेट कर सकते हैं, और यहां पर मैं जर्नल का नाम लिख सकती हूं। ये कौन सा जर्नल है, इंडियन, दिस इज द जर्नल ऑफ द इंडियन केमिकल सोसाइटी। तो आपने देखा इस तरीके से हम सर्च करके इसकी लिंक को पता कर सकते हैं।
बताऊंगी कि अगर स्कोपस में हमें सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे। देखिए स्कोपस में मुझे सर्च करना है, स्कोपस सोर्स लिस्ट में मैं गई और स्कोपस सोर्स लिस्ट में जाने के बाद मैं अपने उस जर्नल को कॉपी कर लूँ जिसे मुझे देखना है कि ये स्कोपस में है या नहीं है या वेब ऑफ साइंस में है या नहीं है। तो मैं यहाँ गई और यहाँ सर्च में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं फाइंड सोर्स करूंगी। जब हम इसमें फाइंड सोर्स को क्लिक करेंगे तो देखिए हमें एक रिजल्ट मिल गया और हमें ये पता चल गया कि ये जो जर्नल है, हाँ ये किस में है, स्कोपस में है। अब मैं इस जर्नल पर क्लिक करूंगी और इस जर्नल पर जब मैं क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पर मुझे एक एड्रेस मिला। इस एड्रेस को मैं क्या करूँ, कॉपी कर लूँ। इस एड्रेस को जब मैं कॉपी करूंगी तो देखिये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि ये जो है देखिये स्कोपस में साइटेड है। अब मैं यहाँ जाकर इस जो लिंक मैंने कॉपी किया था इसको मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं इसमें एंटर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने एंटर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ब्लू हो गया और अंडरलाइंड हो गया, यानी हाइपरलिंक हो चुका है। और इसमें जैसे ही कोई कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा, वैसे ही आप देखेंगे कंट्रोल के साथ जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन होके आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए डायरेक्ट हमें यूजीसी केयर लिस्ट के होम में ले जाएगा और यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो जर्नल है वो क्या है, यूजीसी केयर लिस्ट में। देखिए ये स्कोपस में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के जर्नल्स को का जो लिंक है, यूजीसी का लिंक क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम पेस्ट कर सकते हैं ताकि किसी को भी अगर जरूरत हो कि ये जो जर्नल है क्या वो यूजीसी केयर लिस्ट में है या नहीं है, उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आर्ट्स के अगर कोई जर्नल आपको सर्च करने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा और ऑप्शन उसी तरीके से होगा कि हम यहाँ पर जर्नल को सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद जो भी हमें यहाँ पर लिंक मिलेगा उस लिंक को हम क्लिक करके यहाँ से कॉपी लिंक कर सकते हैं। कॉपी लिंक करने के बाद हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लिंक को जनरेट कर सकते हैं और उसे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतना पेशेंसली सुना। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।